नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मलिका आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और ये हमारा जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट अ लास्ट टॉपिक ऑफ योर मीन्स ऑलमोस्ट हम लास्ट टॉपिक पे ही है। दिस इज योर शियर स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट की आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, तक मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहा हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी कि जो हमारी प्ले लिस्ट का नाम है, क्योंकि हमने इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक नंबर ऑफ जो वीडियोस हमने कवर किए हैं वो 50 मोर देन 50 वीडियोस हमने कवर किए हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि चैप्टर है ही इतना बड़ा है, उसमें काफी कुछ है। हमने न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, बहुत लगभग 10 से ज्यादा टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, डेरिवेशंस कवर किए हैं, प्रीवियस यूनिवर्सिटी एग्जांपल्स कवर किए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काफी कुछ है। आप देख सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स या कलीग्स को। और आए दिन काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड तो काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके लिए मैंने फ्लूइड मशीनरी करके एक सब्जेक्ट है मीन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो भी कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो काफी कमेंट्स वहां से भी आते हैं। तो प्लीज गाइज, अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो प्लीज दिल खोल के डोनेट कीजिएगा। आपको जो भी ठीक लगे अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा थ्योरी है, क्योंकि काफी 5 दिनों से हम न्यूमेरिकल्स ही कवर कर रहे थे, दैट वाज बेस्ड ऑन ट्राइएक्सियल स्ट्रेसेस। ठीक है, मैंने 5 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स लिखा था, बट आज जो मैं लेके आया हूं ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है। मैंने शेयर फोर्स शेयर स्ट्रेन जरूर कवर किया हुआ है, सॉरी शेयर स्ट्रेस एंड शेयर फोर्स कवर किया है, बट शेयर स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कवर नहीं किया हुआ है। बट इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि मेरा पिछला वीडियो तो नहीं, यानी कि काफी पहला वीडियो जो मैंने शूट किया था दैट वाज बेस्ड ऑन शेयर फोर्स या फिर शेयर स्ट्रेस का वीडियो डेफिनेटली जरूर देखिएगा। बट फिर भी मैं कुछ चीजें रिपीट जरूर करूंगा, शेयर स्ट्रेस क्या होती है, शेयर फोर्स क्या होती है, फिर उसके बाद आएंगे हम शेयर स्ट्रेन जिसका सिंबल होता है फाई, और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जैसे आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई सुना है, वैसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी होता है। ठीक है, जहां पे कोई भी एरिया आपका शेयर में आ जाए, शेयर मतलब कट जाना, यानी कि वो एरिया वहां से कट जाता है, ठीक है, तो वहीं पर आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर शेयर फोर्स। स्टार्ट करेंगे हम शेयर फोर्स से, फिर हम शेयर स्ट्रेन पे भी आएंगे। ठीक है, ओके, चलिए। आप देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आपने एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, तो रिवेट जॉइंट के बारे में जरूर सुना होगा। रिवेट जॉइंट ये ज्यादातर वो यूज करते हैं जहां पर आपने देखा होगा कि कोई शॉप्स होती हैं जो बॉक्सेस बनाते हैं, जैसे शादियों में या पंजाबी में अगर मैं बोलूंगा ब्याह शादी, अगर आपने देखी होगी तो रिवाज होता है लड़की की तरफ से कि कुछ गिफ्ट देना। ठीक है, तो वो लड़की को यानी कि लड़की के साइड से देखिए ये बॉक्सेस आते हैं। ठीक है, बॉक्सेस क्यूबॉइडल शेप के आपको दिखेंगे और वहां पे ये रिवेट जॉइंट का यूज होते हुए ज्यादातर दिखेगा, यानी कि जहां पर भी आप देखेंगे कि बॉक्सेस बन रहे हैं वहीं पर आपको देखने को ये रिवेट मिलेगा। रिवेट शेप जो रिवेट होता है ज्यादातर आपका ये एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का आप देख रहे हैं कि ये दो प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक नीचे प्लेट है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये प्लेट बनाता हूं। ठीक है, ये एक प्लेट, ओके, ये दो प्लेट, ओके। अब इन दोनों प्लेट को ज्वाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, बीच से एक होल कर दिया जाता है और उसके बीच में ये जो रिवेट है ये एल्युमिनियम का है, ये बीच में डाल दिया जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, अब ये ऊपर से फिर इसको हैमर से मारा जाता है, ओके, थोड़ी देर में ये पूरा चपटा होके कुछ इस तरह से बन जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लेट आपस में फिक्स हो गई रिवेट का यूज करके, यानी कि रिवेट जॉइंट का यूज करके। और ज्यादातर आपको कहां पे यूज होता हुआ दिखेगा इसका, जहां पर बॉक्सेस बनाए जाते हैं। ठीक है, और वहां पर जो हैमर यूज किया जाता है इनके ऊपर, वो लकड़ी का हैमर होता है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस दोनों प्लेट को हम खींचने वाले हैं सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि यहां पर भी पी की फोर्स लगाई जा रही है, यहां पर भी पी की फोर्स लगाई जा रही है। अब एक चीज थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सियली फोर्स लगा रहे हैं, बट ये जो फोर्स है ये पैरेलल है सरफेस एरिया के, वो वाला सरफेस एरिया जो थोड़ी देर में कट जाएगा, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए अगर फोर्स यहां पर लग रही है तो कौन सा एरिया कटने वाला है, आप देख रहे हैं अगर ये रिवेट कट जाए, देखिए ये वाला एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूं जो रिवेट का खुद का सरफेस एरिया है, तो ये एरिया को मैं बाहर बना देता हूं कुछ यहां पर, कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ठीक है, हो गया क्लियर, यहां पर बनाता हूं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये रिवेट इतना बड़ा होता, ठीक है,
और फोर्स इसकी एक साइड यहां लग रही है और एक साइड यहां लग रही है, क्लियर हो गया? ओके, ये पी फोर्स है और ये पी फोर्स है, ठीक है, हो गया क्लियर? तो मैं इस रिवेट का बाकी पोर्शन को मिटा देता हूं, ठीक है, और यहां पर जो मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बता देना चाहता हूं आपको, यानी कि देखिए ये रिवेट कट जाएगा, तो इसी वजह से बोलते हैं कि एरिया इन शेयर, शेयर मतलब कट जाना, यानी कि वो वाला एरिया जो कट जाएगा, ठीक है, तो वो वाला एरिया क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, क्लियर हो गया? अब ये जो सर्कुलर फॉर्म है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी वजह से जो एरिया होगा दैट इज योर पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है, तो हम डायमीटर के हिसाब से लिखेंगे पाई डी स्क्वायर बाय फोर। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये जो फोर्स जो आपकी लगी थी, ठीक है, ये पैरेलल हो जाती है इस सरफेस एरिया के, तो वो फोर्स कहलाती है शेयर फोर्स। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया? ओके, अब आप शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है, उसका जो सिंबल होता है वो टाउ होता है, हो गया क्लियर? ओके, अगर पिक्चर में शेयर फोर्स आ गई है तो शेयर स्ट्रेस भी आएगी ही आएगी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस इज नथिंग बट अ रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होती है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां पर जो फोर्स की वैल्यू है वही वो पी की वैल्यू है, बट ये हो गई हमारी रेजिस्टिंग फोर्स। यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट, पर मींस ये डिवाइड है, ओके, यूनिट एरिया, हो गया? या फिर ये तो तब हम लिखते हैं, ये तब हम लिखते हैं जब हम वैल्यूज डाल के उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये जो एरिया है, जो एरिया शेयर में है, जो एरिया कट जाएगा वो यही एरिया है, पाई डी स्क्वायर बाय फोर, यानी कि यही पाई डी स्क्वायर बाय फोर। ओके, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो इसका जो रेजिस्टिंग फोर्स है, देखिए शेयर स्ट्रेस क्या होती है, एक तरह की रेजिस्टिंग फोर्स। अगर फोर्स यहां पर लग रही है तो ये रेजिस्टिंग फोर्स यहां पर लगेगी और इसकी वैल्यू भी पी होती है। दूसरे केस में देखिए कि जो फोर्स है आपकी खींचने वाली वो यहां लग रही है, तो ये वाली रेजिस्टिंग फोर्स यहां लगेगी, क्लियर हो गया? तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स होती है इस शेयर को, यानी कि इस कटने को रोकती है, क्लियर हो गया, ताकि आपका एरिया शेयर ना हो, क्योंकि रोकने वाली फोर्स है और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, हो गया क्लियर? तो रेजिस्टिंग फोर्स भी मैंने बताया कि ये पी के बराबर ही होगी। ओके, अब एरिया, एरिया मैं यहां पे डाल देता हूं पाई डी स्क्वायर बाय फोर। मान लीजिए पी की वैल्यू 10 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, तो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। ओके, एरिया एमएम स्क्वायर में मान लीजिए, ओके, तो कितना है, 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि 1 एमएम स्क्वायर पे 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, जो इस क्या बोलते हैं फोर्स को रोक, मींस इस पी फोर्स को, ये वाली पी फोर्स जो खींचने की कोशिश कर रही है उसको रोकने का प्रयास करती है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, यानी कि रोकने की कोशिश करती है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये यूनिट एरिया पे एक्ट करती है, बट ये यूनिट एरिया इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है भाई, ये इसी का पार्ट है, क्योंकि फिलहाल तो फोर्स डिवाइड हो गई ना एरिया के हिसाब से, हो गया क्लियर? ओके, तो यही जो मैंने क्या बोलते हैं जो स्ट्रेस है वो यहां पर बताई है, वो इसी एरिया को बचाने की कोशिश करती है, बस सिंपल सी बात है, और ये रिवेट एंड शेयर है, हो गया ये भी क्लियर? चलिए, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, शेयर स्ट्रेस एंड शेयर फोर्स। एक और चीज है, देखिए ऐसे एक और आप समझ सकते हो शेयर फोर्स क्या होती है, काफी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि शेयर फोर्स क्या चक्कर है, ठीक है। आपने देखा होगा शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का एग्जाम्पल देखा होगा, ये हमारी बीम है, ओके, और ये हो गई हमारी बीम, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, रोलर सपोर्टेड है, रोलर से सपोर्ट है, आपको मालूम है बदले में जो रोलर सपोर्ट है वो सिंगल फोर्स ऑफर करता है बीम को, ठीक है। मान लीजिए एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो भी वर्टिकल, ठीक है, आप खुद सोचिए कि ये टूटेगी कहां से, ये दो पीस में कहां से टूटेगी, वो यहीं से टूटेगी, अगर सपोज लोड ज्यादा हो गया, ठीक है, तो शियर कहां से होगी, तो समझ में आ रहा है, देखिए ये जो फोर्स है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया, एक मैं छोटा सा सर्कल बनाता हूं, मतलब जो इस बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कुछ इस तरह से ही होगा, ओके, तो यहां पर जो फोर्स पड़ी वो पैरेलल हो गई इस क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है, इसी वजह से शेयर फोर्स कहलाती है, बस और कुछ नहीं है, हो गया क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये इसी बीम को ब्रेक कर सकती है, यानी कि इस एरिया को शेयर कर सकती है, ये कहने का मतलब है, इसी वजह से यहां पे लिखा हुआ रिवेट इन शेयर, रिवेट यहां से कट सकता है, ओके। चलिए, तो इसको छोड़ के अब हम चलेंगे हमारे स्ट्रेन की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है, शेयर स्ट्रेन, फाई एंड मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। चलिए, तो शेयर स्ट्रेन क्या होता है, देखिए एक शेयर स्ट्रेन आप देखेंगे एक तरह का फ्रैक्शन है, एक तरह का परसेंटेज है, बस हम 100 से डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। मान लीजिए देखिए ये जो मैंने बताया है आपको, ये पार्ट, ये एक सरफेस है, उसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट रखा हुआ है, क्यूबॉइडल शेप का आप समझ सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं क्यूब शेप का समझ सकते हैं, ठीक है।
अगर मैं क्यूबॉइडल बोलता हूं या फिर सपोज क्यूब ही बोलता हूं, तो कुछ इस तरह से ये शेप है, ओके, ये, या फिर इससे बेटर है कि मैं ये नहीं बताऊं, ये हो गया, ओके, ये इस तरह से, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, या तो उसमें फिर क्या अंदर की चीजें भी बतानी पड़ती हैं, ओके, हो गया क्लियर। तो देखिए इसका जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने यहां पे लगा दिया है, ओके, और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो बेस है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ओके। एक मैंने क्यूब एलिमेंट, क्यूबिकल एलिमेंट यहां पे रखा हुआ है, जो इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, ओके। अगर यहां पर एक फोर्स एक्ट होती है, ये जो एफ फोर्स दिख रही है, ओके, और ये फोर्स एरिया के पैरेलल भी है, यानी कि ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला, हो गया क्लियर, मतलब कुछ ऐसे ये फोर्स एक्ट कर रही है, ओके। तो आप देखेंगे, देखिए रखी यही चीज है, तो आपको जो दिख रहा है ना वो ये वाला सरफेस दिख रहा है बस, और कुछ नहीं, और ये नीचे से फिक्स्ड है, हो गया क्लियर। तो इनिशियली जब हमने फोर्स नहीं लगाई थी तब ये कैसी दिख रही थी, ए बी सी डी, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, या तो जब हमने फोर्स नहीं लगाई थी तब ये क्या दिख रहा था, ए बी सी डी, क्यूबिकल एलिमेंट, ठीक है। बट जैसे ही हमने क्या बोला कि जो मटेरियल है ये इलास्टिक मटेरियल है, तो अगर कोई भी फोर्स हम लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, इसकी शेप में चेंज आ जाएगा, क्लियर हो गया, एक्चुअली इसकी शेप में चेंज आ जाएगा, यही होगा, ओके। तो देर विल बी सम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन इन इट्स शेप, मतलब इसकी शेप में चेंज आ जाएगा, क्लियर हो गया, ओके। अगर फोर्स जो है हमारी शेयर फोर्स है और ये एरिया के पैरेलल भी है, फिलहाल जो एरिया यूज किया जा रहा है वो ये वाला है, ओके, या फिर आप बॉटम का भी एरिया यूज कर सकते हैं, अंदर का एरिया यहां पे दिखाया नहीं गया, ठीक है, ओके। तो क्या होगा कि इसकी शेप में चेंज आ जाएगा, ये इलास्टिक मटेरियल होने की वजह से ये कुछ एंगल से डेविएट हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये जो सीधा एलिमेंट था ये कुछ तरह से, कुछ एंगल से डेविएट हो जाएगा, और जो एंगल है वो फाई है, और यहां वाला मटेरियल भी कुछ एंगल से डेविएट हो जाएगा, और यह है फाई, और यही फाई जो है हमारा शेयर स्ट्रेन है। तो शेयर स्ट्रेन मैंने ऑलरेडी बताया कि एक तरह का परसेंटेज बोल सकते हैं या फिर एक तरह का फ्रैक्शन है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो लंबाई है ना एडी, एडी के कंपैरिजन में इस लंबाई में कितना चेंज आया वो देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे शेयर स्ट्रेन जो है वो शेयर स्ट्रेन यानी कि फाई इज इक्वल टू, हम क्या लिखना चाहते हैं, ए ए डैश बाय एडी, हो गया, मतलब इस लंबाई के कंपैरिजन में इस लंबाई यानी कि जो एडी है इसको आप रेफरेंस रेफरेंस लंबाई मान लीजिए या रेफरेंस लेंथ मान लीजिए, इस एडी लेंथ के कंपैरिजन में आपका इसमें कितना चेंज आया, या फिर ये बोल सकते हैं कि ए ए डैश कितना परसेंटेज है एडी का, ये ज्यादा बेटर होगा आई थिंक, ठीक है, ए ए डैश कितना परसेंटेज है एडी का, वही होता है हमारा फाई, और ये ज्यादातर आपको यही चीज आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी, कहां पर, टॉर्शनल जो चैप्टर है हमारा टॉर्शन, वहां पर भी देखने को मिलेगी, ठीक है, वहां पर भी एक फाइबर होता है, फाइबर को ऊपर से, फाइबर यानी कि देखिए ये आपका क्या बोलते हैं शाफ्ट होता है, ओके, शाफ्ट में एक एलिमेंट, एलिमेंट नहीं एक फाइबर होता है जो एकदम टॉप सतह पे होता है, ठीक है, अब हम इसको टॉर्क्स सब्जेक्ट कर देंगे तो ये फाइबर सरक जाता है, तो जितने उससे सरकता है, ठीक है, ये फाइबर थोड़ा सा इस साइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा, अब एक्चुअली में क्या है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ये हमारा शाफ्ट है, इसको हमने टॉर्क से सब्जेक्ट कर दिया, ठीक है, और मैं क्या करूंगा अभी, इसकी सतह पे एक फाइबर है, मान लीजिए ये स्टील फाइबर है इसकी सतह पे जिससे बना होगा ना भाई, मान लीजिए ये P है ये Q है, थोड़ी देर में हमने इसको टॉर्क T से सब्जेक्ट कर दिया तो ये जो फाइबर है ये थोड़ा सरक जाएगा, ओके, और ये जो Q है ये Q डैश हो जाएगा, तो कितने अमाउंट से सरक गया, क्लियर हो गया, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, तो इसी को हम चेक करते हैं यहां, तो हम भी यहां भी यही देख रहे हैं कि AD AA डैश, ठीक है, ये जितना सरका है, ये क्या बोलते हैं, इनिशियली एलिमेंट एकदम सीधा था बट जैसे ही फोर्स लगी इसको, ठीक है, फोर्स एक पैरेलल लगी तो ये क्या हो गया, आपका जो एलिमेंट है ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कितने एंगल से, फाइव एंगल से, और इसी फाइव एंगल को हम समझते हैं शेयर स्ट्रेन, और इसको कैसे निकालेंगे, एक तरह का रेशियो है कि ये जो चीज सरक गई है बाय ए डैश ये कितना पार्ट है आपके एडी का, या फिर बोल सकते हैं ए डैश इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एडी, या फिर एक बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन है भाई ये, और ये अगर हम इसे मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो एक तरह का परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि एडी का कुछ पार्ट ए डैश है, बस यही होता है हमारा फाइव, हो गया, वही चीज फिलहाल बुकों में 100 थोड़ी ना दिया हुआ है, ठीक है, ये तो एक तरह का फ्रैक्शन है, मतलब एडी लेंथ के कंपैरिजन में ए डैश कितना पार्ट है, हो गया, वही चीज इसी फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी बी डैश अपॉन बी सी, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, तो दिस इज योर शेयर स्ट्रेन, ओके। अब हम आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी,
अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो सिंबल होता है दैट इज योर ई, ठीक है। अब आपने इसमें यह भी देखा है कि जो इस दौरान जो स्ट्रेसेस होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं और जो स्ट्रेन होती है वो ई होती है, ओके। और क्या बोलते हैं, कोई भी कंपोनेंट को जब भी हम डिजाइन करते हैं, मैं शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको टॉपिक लेके आया हूं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल मींस नॉर्मल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। अब जैसे जैसे देखिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई भी मटेरियल या कोई भी कंपोनेंट या कोई भी मशीन का पार्ट को डिजाइन किया जाता है, उसकी थिकनेस डिजाइन की जाती है, उसकी लेंथ डिजाइन की जाती है, उसकी ब्रेड्थ, उसकी हाइट, सबको डिजाइन किया जाता है, क्योंकि जब उसके ऊपर लोड पड़ता है, ठीक है, तो उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो शेप को रीगेन कर सके, अपने साइज शेप को रीगेन कर सके। अगर वो नहीं कर सकता तो दैट मीन्स उसमें परमानेंट डेविएशन आ गया है, वो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकता और वो विद इन द इलास्टिक लिमिट डिजाइन नहीं हुआ हुआ है। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर होगा तो वो डायरेक्टली स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, ओके, क्लियर हो गया ये, ओके। और इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टीज यूज किए जाते हैं, यानी कि कभी भी कोई भी मटेरियल का डिजाइन किया जाता है तो विद इन द इलास्टिक लिमिट होता है, क्योंकि ऊपर पड़ने वाला लोड किसको जन्म देगा, स्ट्रेस को। स्ट्रेस अगर होगा तो डेफिनेटली स्ट्रेन देखने को मिलेगा, बट जैसे ही आप लोड हटा दोगे तो अपनी शेप और साइज को वापस रीगेन कर लेगा। तो वही चीज है कि यहां से जन्म होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सिग्मा अपॉन स्मॉल ई इज इक्वल टू ये कैपिटल, ठीक है। ये है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, ये है नॉर्मल स्ट्रेन और ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वैसे ही क्या होता है कि कोई भी चीज का जब भी डिजाइनिंग होता है, क्लियर हो गया, ओके, तो जब भी कभी भी डिजाइनिंग होती है कोई भी कंपोनेंट की तो वो विद इन द इलास्टिक लिमिट ही होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई भी एरिया शेयर में हो। देखिए फिलहाल तो हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर पढ़ रहे हैं और ये वहीं पर आएगा जहां पे शेयर फोर्स आने वाली है, ठीक है, और शेयर फोर्स आएगा तो शेयर स्ट्रेस भी आएगा। तो जब भी कोई भी कंपोनेंट शेयर में होगा, यानी कि कटने की स्थिति में होगा, तो वो कभी कटेगा नहीं, क्योंकि वो विद इन द इलास्टिक लिमिट ही डिजाइन हुआ हुआ है, क्लियर हो गया। तो उस दौरान क्या होता है, आपका जो टाउ होता है शेयर स्ट्रेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके शेयर स्ट्रेन के, क्लियर हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आई। अब ये टाउ कहां से आया, शेयर स्ट्रेन कहां से आया, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फोर्स आएगी, फोर्स हमेशा एरिया को काटने की कोशिश करेगी और वो फोर्स हमेशा एरिया के पैरेलल होगी, तो जहां पर होगा वहां पे शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, ओके, उसको बचाने के लिए, ओके। तो अगर कोई भी कंपोनेंट कहीं ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है, मेरा कहने का मतलब है, सॉरी फॉर दिस स्लिप ऑफ टंग, ओके, ठीक है, ऐसी पोजीशन में फंसा हुआ है जहां पर आपका एरिया शेयर हो सकता है, जैसे मैंने बीम का केस बताया, रिवेट का केस बताया, तो उसकी थिकनेस, उसका डाया, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ जो भी है, मतलब फिलहाल ज्यादातर तो हम डाया ही दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया ही शेयर में आता है, ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, ज्यादातर जो एरिया है वही शेयर में आता है, तो उसका डाया इतना रखा रहता है या फिर उसका जो एरिया इतना इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, डाया यानी कि एरिया, ठीक है, इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है ताकि वो हमेशा अगर उसके ऊपर स्ट्रेसेस भी पैदा हो, उसके ऊपर मतलब शेयर फोर्स भी पैदा हो, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट हो, ताकि जैसे ही शेयर फोर्स हटे वो अपना शेप रिगेन कर ले, बस इतना याद रखिए। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट आपका शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन है, और जैसे ही इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज इक्वल टू फाइव, एंड दिस जी इज इक्वल टू टाउ अपॉन फाइव, और ये जी है ये हर एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, हो गया क्लियर। और उसकी जो यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ओके। फाई, फाई क्या होता है, दैट इज योर शेयर स्ट्रेन, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, दोनों की लेंथ मींस यूनिट कट जाएंगी आपस में, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मींस किसकी, शेयर स्ट्रेन की। तो ये जो जी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।